नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बना रहे हैं राजस्थानी केयर का अचार। ये है राजस्थानी केयर, जो तीखे कड़वे होते हैं। तो सबसे पहले हम इनको मीठा करते हैं। मीठा करने के लिए मैंने ये छोटी सी मटकी ली है और इसमें छाछ डाल करके, नमक डाल करके केयर डाल दिए हैं और इसको कपड़े से कवर करके लगभग 4 से 5 दिन तक रख देते हैं। फिर इसी प्रोसेस को दोबारा करते हैं, 4 से 5 दिन और रख देते हैं। तो देखिए, लगभग 1 सप्ताह से 10 दिन तक रखने के बाद केयर जो है बिल्कुल बढ़िया हो जाते हैं। अब हम इनको बॉईल करके धूप में सुखा देते हैं और धूप में अच्छा सा सुखाने के बाद अब हम इनका अचार बनाएंगे। तो ये प्रोसेस होती है इसकी पहले की, इसको मीठा करने तक। अब ये केयर मीठे हो गए हैं, तो आप देखिए मैंने इनको बिल्कुल धूप में अच्छे से सुखा लिया है और केयर का जो कड़वापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो अब हम इसका अचार बनाएंगे। ध्यान रखें, इस तरह से बॉईल करके एक सीटी लगाई है मैंने और इनको धूप में सूखो लिया है। अब ये बिल्कुल सूखे हैं। तो इस प्रकार से अगर आप केयर को अच्छी तरह से मीठा कर लेंगे और सुखा लेंगे तो आपका अचार जो है बिल्कुल सालों साल भी ख़राब नहीं होगा। और इस तरफ हम तैयार कर लेते हैं मसाला। 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच सरसों के दाने और काला जीरा, कलौंजी और सौंफ 1-1 चम्मच। 4 चम्मच मसाला लिया मैंने, 4 छोटे चम्मच, और इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं ताकि इनकी जो नमी है वो ख़त्म हो जाए और इनको हम अच्छे से बुरबुरा पीस सकें। तो आप इसको पत्थर की सीला होते है उससे पीस सकते हैं, और जो इलायची कूटने वाला जो होता है, अदरक कूटने वाला, उससे भी आप इसको कूट सकते हैं, और इसको मिक्सर जार में भी आप पीस सकते हैं। तो जैसे भी चाहें इनको पीस ले। थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं अब। ये हमने इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया था और अब इसको पीस लिया है। दूसरी ओर हम एक पैन के अंदर तेल डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है और 2 बड़े चम्मच सरसों के तेल को गर्म कर लेते हैं। यहाँ पे जीरा डाल करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए तेल गर्म हो गया है, तो थोड़ा सा जीरा आप डाल सकते हो और गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और तेल को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। दूसरी ओर मसाला देख लेते हैं। ये है 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 छोटे चम्मच अमचूर का पाउडर और 1 बड़ा चम्मच जो हमने मिक्स मसाला तैयार किया है वो है। तो ये है हमारा मसाला। इसके अंदर अपना जो मसाला है वो मिला लेते हैं। सबसे पहले डालेंगे चुटकी भर हींग। तो आप देख सकते हो ये है हींग, और सबसे पहले हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये है कलौंजी और सौंफ, काला जीरा और सौंफ दोनों मिक्स करके हमने डाल दिए हैं। 1 छोटा चम्मच कलौंजी और 1 छोटा चम्मच सौंफ, दरदरा पीसा हुआ सौंफ का पाउडर, पीसा हुआ रोस्ट किया हुआ मसाला, लाल मिर्च। लाल मिर्च की मात्रा आप बढ़ा सकते हो अगर आप तीखा खाते हो तो। हल्दी, नमक और अमचूर का पाउडर, सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम डालेंगे इसके अंदर तेल जो हमने गरम करके ठंडा किया हुआ है। सरसों का तेल डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे।
आप चाहें तो इसके अंदर एक केरी को हल्का हल्का ग्रेट करके और वो भी मिला सकते हैं। मैंने यहाँ पे अमचूर का पाउडर मिला दिया है और यहाँ पे केरी से ज़्यादा दिन ये नहीं टिकता है, इसलिए ये जो अचार है ना, इसको आप काफ़ी समय तक खा सकते हो। इसको आप बस अब हमें इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में भर के और रख लेना है। अगर आप इसे 10-5 दिन में या सप्ताह भर में खाना चाहते हैं तो इसे ऐसे ही रखें। अगर आप इसे साल या 6 महीने तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसको तेल में डिप करके रखें। तो ये तो है देखिए तुरंत खाने वाला अचार, इसको आप महीने 20 दिन तक खा सकते हैं, कम तेल का अचार है। और अगर आप ज़्यादा दिन तक रखना चाहते हो तो इसको देखिए ये इस तरह से आपको तेल में डिप करके रखना होगा। तो मैंने दोनों तरह के बनाए हैं, ये रख दूँगी मैं काफ़ी दिन के लिए तो ये ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी, 1 साल तक हम इसको यूज कर सकते हैं। और तुरंत खाना चाहते हो तो कम तेल का रखें। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भी अपने घर पे इस तरह का शानदार केरी का अचार बनाएं। आपका जो भी एक्सपीरियंस हो हमारे साथ शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, इसी तरह के स्वादिष्ट अचार लेकर और आएंगे। थैंक यू।